अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉग। मेरा नाम सज्जाद इम्तियाज है और एक दफा फिर मैं आ गया हूँ अटलांटा के ब्लॉग के साथ कि मैं अब जा रहा हूँ एक्वेरियम में। बेसिकली ये एक ही हाथे में है, कोका कोला का जो है म्यूजियम और अटलांटा एक्वेरियम। और वहाँ पे जैसा मैंने पहले आई थिंक पहले ही बताया कि सेंटर फॉर सिविल एंड ह्यूमन राइट जो सा यहीं पे है, तो मैंने जो सा डे पास लिया हुआ था उसके अंदर सारा कुछ ही आता है, पांच चीज़ें बेसिकली आती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना अभी एक ही दफ़ा में जाके तो एक्वेरियम भी देख लिया जाए और अपना ये कहते हैं इस पूरे अहाते को यहीं ख़त्म किया जाए। अगर टाइम बचेगा तो फिर जाके सेंटर फॉर सिविल एंड ह्यूमन राइट भी देखेंगे, नहीं तो फिर बाद में रात को जो सा अटलांटा शहर का थोड़ा सा जो था चक्कर लगाया जाएगा। इस वक्त रश बहुत ज़्यादा लगा है एक्वेरियम के बाहर, तो देखते हैं जाके। टिकट है अपने पास तो बस अभी जाके टिकट वगैरह का बस आई थिंक दिखानी है और एक्वेरियम के अंदर चले जाना है, तो जाके देखता हूँ। अच्छा जी, मैं बच्चों का यहाँ पे कोई स्कूल आया हुआ है। He's 102,000 subscribers. Okay. So you all are almost subscribe, right? Yes. Okay. So you want to be in the... No, okay. What's up? Abhi yahan pe subscriber le lo. 102,000. Yeah. Almost 103. All right. All right. Okay. All right, guys. See you. चलो जी, मेरे ख्याल से एंट्रेंस वहाँ पीछे है तो बस जा रहा हूँ। बच्चों का वही आया है, स्कूल ही आया है यहाँ पे, तो अगलों से भी सब्सक्राइब कराया मैंने, एक्वेरियम में भी जाने लगे हैं फाइनली। तो सामने एंटर होते ही जेली फिश हैं। तो अंदर आते जो है मछलियों की स्मेल तो आ गई है, मछलियों की भी नहीं है लॉबस्टर की है बेसिकली। तो मेरे हाथ से यहाँ रेस्टोरेंट भी होना है पास ही, तो बाद में खा के देखते हैं। अभी यह है डॉल्फिन कोस्ट है, यहाँ पर क्या है रिवर्स काउट है, ट्राइस्पायर है, शार्क्स है, ऊपर एलिवेटर भी जा सकता है, ट्रॉपिकल डाइवर। तो मेरे ख्याल से पहले ट्रॉपिकल डाइवर में चलते हैं और जाके तो देखते हैं कि इधर क्या है। बेसिकली ट्रॉपिकल डाइवर में है, ट्रॉपिकल मछलियां हैं यहाँ पे। बहुत ज्यादा अंधेरा है तो थोड़ी सी लाइट मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए मुझे, मैंने की तो है, बाकी पता नहीं किस तरह आती है। ये रही मछलियां। अच्छा जी, ये सारी ट्रॉपिकल फिश हैं। यहाँ पे इनका जो है किट वगैरह जो मिलती है पानी को, उनका कंडीशनर वगैरह, अगर जिनके पास मछलियाँ पैट हैं तो उनको पता होगा कि बीच में कंडीशनर भी चलता है, डलता है, बैक्टीरिया भी डलता है। ओके, ये क्या कर रही है? उन तो छुपी हुई है बस, है ईल है, ईल पता नहीं लगा, मुंह नजर आ रहा था ये ईल है। ओहो दे रही है, ईल है ये, ईल करंट मारेगी। वो पीछे भी है, सारी की सारी ईलें ही हैं इधर। बच्चे कहाँ से घुसा दिए इन्होंने, वो यहाँ पे बना रास्ता, ठीक है अपने जाने जितना रास्ता नहीं है बच्चों के लिए। यहाँ पे जेली फिश है, इधर ये है जापानीज सी नेटल, तो सामने इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है और ऐसी लगती है ये। क्या बात है जी, वहाँ पीछे भी हैं जेली फिश। यहाँ पे आगे इन्होंने स्कूबा डाइवर रखा हुआ क्या? ओहो, ये हुई ना बात, यहाँ पे है देखने वाला, क्या बात है।
अरे नजर आ रही है, लाइट एडजस्ट हो जा। ऊपर से लाइट आ रही है। अब हुआ ना मजा। अच्छा जी, तो अभी मैं इधर से निकल रहा हूँ और यहाँ से आगे जाके देखते हैं। आगे पैसिफिक बैरियर रीफ लिखा हुआ है, तो जाके देखते हैं पैसिफिक बैरियर रीफ किस तरह का है। यहाँ पे तो ये इन्होंने एंजल फिशेज जो सी उनकी तरह की रखी हुई है। इनका नाम क्या है? पीकॉक मैंटिस श्रिम्प। ये श्रिम्प है? श्रिम्प तो नहीं लग रहे हैं, नहीं ये श्रिम्प नहीं है, पक्का ये श्रिम्प नहीं है। ये है सॉफ्ट कोरल है। अच्छा ठीक है, कोरल है सॉफ्ट। ये है गार्डन ईल। ईल नहीं, बाहर निकली में सर निकाला बीच में से इन्होंने अपना, जूम करके देखें तो ये सांप की तरह की है। इनको छोड़ते हैं अभी यहीं पे। और यहाँ पर क्या है? टाइटैनिक डूबा शिपरक। बस इन्होंने यहाँ पे शिपरक खड़ा किया हुआ है, मछलियां बीच में डाली हुई हैं। तो अब इधर से निकल आया हूँ ट्रॉपिकल वाली साइड से और दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं और कौन सा, पहले निचला हिस्सा पूरा करके अभी ओशन वॉयज की तरफ जा रहा हूँ और वहां से होकर तो फिर ऊपर वाली साइड पे जाता हूँ मैं। अच्छा यहाँ पर इन्होंने जो सा है वेल शार्क्स रखी हुई आगे ओशन वॉयजर में, जो कि बेसिकली होम डिपो वालों ने बना के दिया इन्हें। और ये सबसे बड़ा सेक्शन है इधर का। तो यहाँ पर बेसिकली कह रहे हैं कि इनका डीएनए जो सा एक्सट्रैक्ट करके तो उसकी स्टडी को या इनके आगे इनहेंस किया इन्होंने। और वही बताया कि ओशन अपना होम डिपो वालों ने जो है ये बनवा के दिया इन्हें ये। तो देखते हैं इनकी वेल शार्क। अभी तो फिलहाल कछुए बड़े रखे हुए इन्होंने इधर। तो वो शार्क क्या नजर आ रही है, तो वो सामने है, बड़ी पीछे करके है वो सामने, वो ये जा रही है, वो है ऊपर। अगर नजर आ रही काफी दूर है, इसे पास आना चाहिए मेरे ख्याल से। घूम के आएगी, इस सर्कल में घूम रही है मछलियां। शार्क आने वाली है इधर जो है वो इधर। आ जा आ जा आ जा आ जा, आ गई आ गई आ गई। मैं भी एक्वामैन बन गया यहाँ पे। अभी शार्क को बुला रहे थे पीछे, वो आ रही है। आ जा जल्दी, मैं स्टिंग रे आई ऊपर देख। ओहो क्या बात है, वो आ गई, ये आ गई बेल शार्क। ये रही और बच्ची क्या हाल है, ठीक ठाक? देख के जा रही है। हाँ जी वो गई जे, बहुत बढ़िया ये। इतना ही बस, मेरा था एक्वेरियम ये साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन शार्क बहुत बढ़िया है। ये छोटी शार्क है, ये कुछ भी नहीं है, बच्ची है उसके सामने। अच्छा छोटी शार्क नीचे है और ऊपर बड़ी जो है वो घूमने लगी हुई है। अच्छा ये फिर आ गई है जोंसी वेल शार्क है। बेसिकली ये दुनिया की सबसे बड़ी शार्क है और 20 से 25 फुट लंबी है। तो ये आ गई फिर से, रुक गई यहीं पे, स्टॉप डाला इसने, आगे देख के जा रही है। चमचे उसने पीछे इकट्ठे किए हैं, साथ साथ जा रहे हैं उसके।
वो कछुआ भी आके चला गया। खैर अभी इनको यहीं पे छोड़ते हैं और इधर से निकलते हैं। तो होम डिपो वालों ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है भाई यहाँ पे, तो अभी मेरे ख्याल से इधर अंदर बैठ के देखने वाला होगा शायद कि यहाँ पे बैठ जाओ और बैठ के तो इन्हें देखो क्या बात। इधर से अच्छा व्यू दूसरी तरफ ही आ रहा था, ये स्टिंगरे। मेरे ख्याल से इधर से निकलना चाहिए मुझे। अच्छा उधर से अभी अंदर आया हूँ तो यहाँ पर ये बना हुआ एक्वेरियम, मेरे हाथ यहीं पे आएगी वो शार्क जो है। ये सफेद शार्क लंबी पड़ी है इधर, लेपर्ड शार्क है ये, तो इन बैठ के आराम करने लगी हुई है। ये आराम से बैठ के मजे ले रही है। ये आई है यहाँ पे, अभी शीशा टूट जाए तो ओ सामने बैठी हुई है। हेलो, उसके मुंह में गई मच्छी, मुंह में गई। वो पीछे पीछे पीछे। अच्छा ये एक्वेरियम देख के ना एक जगह जो उनसे याद आ रही है, सोल्जर फिल्म में जिस रास्ते से बॉबी देओल का बाप उसे कश्ती में लेके जाता है, ये पूरा वैसा ही रास्ता बना है। आगे जाके तो मेरे ख्याल से वो बॉबी देओल के बाप की कश्ती भी निकल नहीं जहाँ तो उसने अपने बाप को मारा था, बाकी रास्ता तो यही था। नीचे उन्होंने बेल्ट चलाई हुई तो बेल्ट भी खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ी देर खड़े होके तो चलने चलने का मजा लेता हूँ। वो जा रही कितनी बड़ी मछली है वो सामने, स्टिंगरे है बेसिकली स्टिंगरे। ये कर रही है ठीक हो, लेपर्ड शार्क है ये भी। तो अभी इधर से छोड़ के तो आगे चलते हैं। अच्छा जी मेरे ख्याल से यहाँ से निकलना बाहर, और ये भी इसका व्यूइंग एरिया। अच्छा यहाँ पे ज़्यादा क्लियर आ रही है, अब आ रहे हैं ना मुझे इधर बैठ कर। ये पूरा इन्होंने स्क्रीन की तरह बनाया हुआ, कोई नहीं वो जा रही है बड़ी वेल शार्क, वो जा रही है ऊपर। मेन अट्रैक्शन तो यही है यहाँ की। हायर इसको भी छोड़ते हैं और इधर से निकलते हैं अभी। अच्छा जी तो मैं अभी इधर से निकल रहा हूँ, तो मैं कहा शार्क आ रही है फिर से वापस, वो आ रही है। खैर इसको छोड़ते हैं और अब मेरे ख्याल से ऊपर वाले सेक्शन पर जाना चाहिए। ये वाला तो हो गया, ट्रॉपिकल भी कर लिया, उसके बाद जो है ये ओशन वाला ये भी कर लिया, तो ओशन वॉयजर जो है। तो अभी सामने है कोल्ड वाटर क्वेस्ट रह गई है, ये राइड्स तो नहीं है, ये तो कोई पॉन्ड बनाया है इन्होंने बस, कोई पॉन्ड कोई मछली है ये सारी। इधर से अभी जोन सा है निकल के तो चलते हैं अभी ऊपर, ऊपर कैफे वहां पे जाके मैं कुछ ट्राई करते हैं अभी। एक्चुअली वहां पे चलता हूँ पहले, प्रेडेटर्स ऑफ द डीप जो है। ये सेक्शन किस तरह रह गया, ये रखा हुआ इन्होंने शार्क के जोन सा पूरा जबड़ा बतीसी निकाले। यहाँ पे आगे शार्क का दांतों का डॉक्टर भी बैठता है। अच्छा जोक नहीं था बट था, यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये दो नंबरी लगाई हुई इन्होंने, स्क्रीन लगाई हुई इधर, असली शार्क पीछे है और ये सारी इधर ड्रामेबाजी है। अच्छा रखी हुई है वो सामने पीछे है शार्क, मैं कहता हूँ इन्होंने स्क्रीन लगा के टरखा देना मैं यहाँ पे, वो आ गई। मेरे हाथ से दूसरी साइड से जाके देखना चाहिए, शायद इन्होंने जो सा व्यूइंग एरिया बनाया वही बना हुआ इधर, यहाँ से देखते हैं वो आ गई है।
अच्छा वहाँ पे नीचे खड़े होने का भी रास्ता बना है, वो सामने बंदा खड़ा है, वहाँ पे जाना चाहिए। मैं घूम के दूसरी तरफ जा रहा हूँ। ये ऊपर इन्होंने बनाया हुआ व्यूइंग एरिया, वो जा रही है शार्क। ये गई किधर, वो सामने मछलियाँ कर रही हैं। ये क्या करने लगी हुई है इधर, इधर कुछ चल रहा है इनका, डिस्को पार्टियां चल रही हैं वहां पे। वो सामने आ रही शार्क, ये फिल्मों वाले तरीके से आ रही है। शरीफ है, खाती नहीं उन्हें। अच्छा यहाँ पे पास से देखने को मिल गए, पता नहीं क्या करने लगी हुई है। इन्होंने पूरा अपना एक ग्रो बनाया हुआ है, शार्क बीच में से निकल के आ गई है। ये आई है, दांत उसके बड़े तेज है, और ये ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। यान लग गया, नहीं वो नहीं देख रही। अच्छा जी, तो ये वो हिस्सा है जहां पे वो बंदा खड़ा था। ओ हेलो हेलो हेलो, इधर इधर इधर, दो मिनट रुको, ये भी रुको जरा, नजर नहीं आ रहा मुझे लगता है इन्हें। अंधी हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी सारी इधर ही चली गई हैं। तो बस यही है, यहाँ पे ऊपर लाइट लगाई हुई है, तो मेरे ख्याल से भी निकल के दूसरी जगह जाके देखना चाहिए एक्वेरियम को, बाकी हिस्सा भी। तो जा रहा हूँ बस। अच्छा यहाँ पर भी इन्होंने स्टिंग रे रखी हुई है, उनके बारे में बताने लगा हुआ है। तो इधर अभी मछलियों को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि उगलियाँ सो रही है वापस। अगर ये यहाँ पर आ जाती है तो फिर उन्हें हाथ लगा के देख सकते हैं। तो अभी कोई भी नहीं आई, खैर अंदर चलते हैं, देखते हैं बाद में वापस आके। अच्छा जी, इधर भी इन्होंने रखा हुआ गेटर क्रॉसिंग। ये क्या ईल है, ये पड़ी हुई ईल, रहने देते हैं इसको, अभी गुस्से से देखने लगी हुई है। ये क्या है, गेटर क्रॉसिंग। अच्छा ये ऊपर से देखने के लिए इन्हें, इस सारी जो सी लकड़ी है नीचे इस तो कद गीली हुई है। ये नहीं, ऊपर से देखने के लिए उन्होंने बनाया हुआ मछलियों को, पर मेरे ख्याल से नीचे से देखने का ज्यादा मजा आना है क्योंकि यहाँ से साफ ही नजर आ, क्योंकि लाइट का शेड बहुत ज्यादा आ रहा है। ये इन्होंने स्कूबा जो सा यहाँ पे गियर रखे हुए हैं बताया हुआ डाइविंग के लिए, इसको घुमा के देखें। नहीं वैसे इन्होंने बस रखा, मैं कहा शायद इन्होंने ये भी कोई एक्टिविटी रखी हो। अच्छा यहाँ पर बेसिकली बस ऊपर से दिखाया गया किस तरह इसका यानी कि मेंटेनेंस वगैरह की जाती है। वो जो नीचे बड़ा देखा था जहाँ पे बड़ी व्हेल शार्क थी, ये वो वाला हिस्सा है। ये पूरा स्टेडियम का साइज ये इसका, आई डोंट नो कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं पूरी, लेकिन बहुत बड़ी स्पेस है ये। और नीचे इसके ऑब्वियसली वो व्हेल शार्क जोन सी है वो पड़ी हुई है। अच्छा जी, ये ऊपर वाले हिस्से में अभी निकला हूँ मैं, तो उस तरफ से आया था। ये इनका कैफे आ गया खाने पीने के लिए, पेट पूजा जो है मैं बाद में करता हूँ। तो बस यही है अपना अटलांटा का एक्वेरियम। खैर मेरे ख्याल से वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि अभी यहाँ पे और देखने के लिए कुछ है नहीं। तो बाकी यहाँ से मैं निकलता हूँ और उसके बाद जाके बाहर कहीं देखेंगे, या फिर अगले ब्लॉग में मिलूँगा कहीं और किसी और जगह पे, तो फिर जो है थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे अटलांटा को। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को जो सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन को दबाएं, और जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।